भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका इंडियन ओशन का एक हिडन जेम माना जाता है। पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाने वाला ये द्वीप राष्ट्र सिर्फ अपनी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोडायवर्सिटी और कीमती जेमस्टोन्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने टी प्रोडक्शन और सिनेमन यानी दालचीनी के लिए भी प्रसिद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा और श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा एक दूसरे से सिर्फ 54 किलोमीटर की दूरी पर है। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का अपना द्वीप समूह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी भारत से इतने करीब डिस्टेंस पर नहीं है जितना श्रीलंका है। इनफैक्ट कई स्कॉलर्स तो बिलीव करते हैं कि श्रीलंका और इंडिया हजारों साल पहले एक लैंड ब्रिज से कनेक्टेड थे जो ओशन में अब कहीं गुम हो गया है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका के नदन रीजन की तमिल पॉपुलेशन भी इंडिया से ही माइग्रेट होकर वहां बसने गई थी, जिसके चलते दोनों देश कल्चरली काफी सिमिलर हैं। श्रीलंका में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला बुद्धिज्म रिलीजन भी इंडिया के थ्रू ही वहां पहुंचा। और तो और इतिहास में इस बात के तथ्य भी मिलते हैं कि श्रीलंका इंडियन एम्पायर्स जैसे कि चोलास और पांड्यास के द्वारा भी शासित किया जा चुका है। ऐसे में कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि कुछ ही मील की दूरी पर स्थित ये देश भारत से इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भारत का हिस्सा क्यों नहीं है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से श्रीलंका आज एक अलग देश है? क्या श्रीलंका इंडिया का कभी हिस्सा बनना चाहता था या नहीं, और क्या भविष्य में इंडिया और श्रीलंका एक हो पाएंगे? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, और सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये माना जाता है कि श्रीलंका को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेशन स्टेट की संकल्पना में हमेशा कल्चरल, लिंग्विस्टिक और ऐतिहासिक सिमिलरिटीज को ध्यान में रखा जाता है। कहते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जन्म 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में तब हुआ जब वहां राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी थी। इसके पहले अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जब राष्ट्रवाद के आइडिया का जन्म हुआ, तब इटालियन यूनिफिकेशन से लेकर जर्मन यूनिफिकेशन और बाकी के नेशंस की स्थापना इसी बेसिस पर हुई कि वहां के लोगों ने सिमिलर लैंग्वेज, हिस्ट्री और सिमिलर कल्चर के चलते खुद के पॉलिटिकल सिस्टम्स को एक राष्ट्र के अंतर्गत स्थापित किया। दोस्तों, साउथ एशिया में इंडिया और बाकी के देशों की मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में स्थापना को भी स्कॉलर्स इसी नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अनइंटेंशनली नेशनलिज्म की भावना को जगाया और इंडिया 1947 में जाकर एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना जिसके लोगों ने सिमिलर हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज के चलते खुद को एक राष्ट्र माना। लेकिन हिस्ट्री और कल्चर की सिमिलरिटी के बावजूद कई देश सेपरेट नेशन स्टेट बने, और सेपरेट देशों का श्रीलंका भी एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका में कल्चरल सिमिलरिटी की ये कहानी काफ़ी पुरानी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक रामायण में लंका रावण के द्वीप किले की राजधानी को दिया गया नाम है। यही वो किला है जहाँ रावण ने सीता माता को कैदी बनाकर रखा था। सीता माता को इस बंधन से आज़ाद करने के लिए भगवान श्री राम जी ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की थी। माना जाता है कि आज का श्रीलंका ही रावण की राजधानी लंका था। इसलिए हिंदू मान्यता के मुताबिक श्रीलंका को भारत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत तो श्री राम की हुई थी जो भारत के अयोध्या में रहने वाले थे। दोस्तों, इस कल्चरल सिमिलरिटी के अलावा अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तब भी इंडिया और श्रीलंका के बीच काफ़ी इंटरकनेक्शंस मिलते हैं, जिनके कारण कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि श्रीलंका और इंडिया एक ही देश माने जाने चाहिए। प्राचीन काल से शुरू करें तो हंटिंग और गैदरिंग करने वाले अर्ली मैन, जिन्हें वेदास भी कहते हैं, वो इंडियन मेनलैंड से श्रीलंकन द्वीप पर माइग्रेट हुए जब ह्यूमंस अफ्रीका से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। वेदास आज भी श्रीलंका के कई हिस्सों में रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि वेदास बेलंगोडा मैन नामक श्रीलंका के सबसे पहले निवासियों के डायरेक्ट वंशज थे। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो इंडो आर्यंस के माइग्रेशन के भी सबूत श्रीलंका में मिले हैं। इंडो आर्यंस नॉर्थ इंडिया से श्रीलंका में
5th सेंचुरी BC से अपने अपने ग्रुप्स और ट्राइब्स के साथ आने लगे थे। इंडो आर्यंस असल में इंडो यूरोपियन कैटल फार्मर्स को कहा जाता है, जिन्होंने 2000 BC में सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ माइग्रेट किया था। श्रीलंका के क्रॉनिकल्स यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे महावामसा, दीपावामसा आदि तो यहाँ तक बताते हैं कि 500 BC में सदर्न बंगाल के वंगा से राजकुमार विजय और उनके 700 फॉलोअर्स भी श्रीलंका आके बसे थे। और तो और, विजय ही सबसे पहले सिन्हालीस किंग थे, इसकी भी मान्यता है। पर सिन्हालीस कौन थे? दोस्तों, इंडो आर्यंस और श्रीलंका के इंडिजिनस यानी स्वदेशी लोगों के इंटरमिंगलिंग से श्रीलंका में सिन्हालीस ग्रुप वजूद में आया था, जो आज वहाँ की डोमिनेंट पॉपुलेशन है। इसके अलावा 1000 से 500 BC के दौरान श्रीलंका सदर्न इंडिया के कल्चरल एस्पेक्ट से भी काफ़ी जुड़ा था। इन दोनों रीजन्स के मेगालिथिक ब्यूरियल्स, पॉटरी, आयरन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्निक आदि सब एक जैसे थे। मेगालिथिक ब्यूरियल का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों से कब्रिस्तान बनाना। उसके बाद 3rd सेंचुरी BC से 1200 AD तक सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न इंडिया से तमिल्स भी श्रीलंका में माइग्रेट होते गए, जो द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलते थे। आज यही तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका की 15% पॉपुलेशन बनाती है। अधिकतर श्रीलंकन तमिल्स श्रीलंका के नदन और ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले बताया कि श्रीलंका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन बुद्धिज्म भी इंडिया से आया था। दीपावामसा नामक श्रीलंका के ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार श्रीलंका के राजा देवानामापिया तिस्सा के शासनकाल के दौरान भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा ने 4th सेंचुरी AD में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इसी दौर में बोधि ट्री का एक पौधा भी श्रीलंका लाया गया था और सबसे पहले मठों और बुद्ध स्मारकों की स्थापना की गई। आज श्रीलंका का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है और लगभग 70.2% आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। दोस्तों, अब मेडिवल हिस्ट्री की ओर चलते हैं। लगभग 10th सेंचुरी AD के दौरान साउथ इंडिया के ताकतवर चोला एम्पायर के सम्राट राजा राजा चोला ने अपनी एक बड़ी सेना को श्रीलंका भेजकर वहां के अनुराधापुरा किंगडम पर कब्जा कर लिया था। अनुराधापुरा किंगडम प्राचीन श्रीलंका में सबसे पहला स्थापित राज्य था। खैर, कब्जा करने के बाद श्रीलंका भी चोला एम्पायर का हिस्सा बन गया। चोला रूल के अंडर रह रहे सिन्हालीस किंग्स श्रीलंका को रूल करने लगे थे। फिर 13th सेंचुरी में चोला रूल कोलैप्स होने के बाद सदर्न इंडिया की दूसरी डायनेस्टी पांड्यन डायनेस्टी ने भी श्रीलंका पर इन्वेजन किया और वहां जाफना किंगडम की स्थापना की। जाफना किंगडम के बाद कई किंगडम्स आए और चले गए। चूंकि भारत में आने वाले बड़े बड़े एम्पायर्स साउथ इंडिया में अपना साम्राज्य उतनी ताकत के साथ नहीं बसा सके, इसलिए श्रीलंका भी हाथ से निकलता गया और वहाँ के लोकल रूलर्स उसे रूल करते रहे। कुछ सदियों बाद जब यूरोपियन ट्रेड कंपनीज द्वारा दूसरे देशों में इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, तब भारत और श्रीलंका भी पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश ट्रेडर्स के रडार में थे। खैर, कई दशकों और सदियों के बैटल के बाद इस रीजन में ब्रिटिश हेजमनी स्थापित हुई और इंडिया और श्रीलंका देश ब्रिटिशर्स की गुलामी का शिकार हुए। कॉमन कॉलोनियल हिस्ट्री भी दोनों देशों में सिमिलैरिटीज को जन्म देती हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कई चीज़ें जैसे रेलवेज और टी प्लांटेशंस दोनों देशों में समानताएं पैदा करती हैं। दोनों देशों का कॉलोनियलिज्म के साथ एक्सपीरियंस भी सिमिलर है। खैर, केवल इतिहास ही इंडिया और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों का गवाह नहीं है, बल्कि आज मॉडर्न टाइम्स में भी दोनों देशों में अनेक समानताएं हैं। पर क्या हैं वो समानताएं? अगर पहली सिमिलरिटी की बात करें तो जिस तरह इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है, उसी तरह श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फिलॉसफी को फॉलो करता है। दोनों देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स ब्रिटिश एक्सपीरियंस के चलते कई मायनों में कॉमन है। इतना ही नहीं, श्रीलंका फूड प्रैक्टिसेस और साउथ इंडियन फूड प्रैक्टिसेस भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। स्पेशली भारत के केरला और तमिलनाडु राज्यों का खान पान श्रीलंकन फूड कल्चर से मेल खाते हैं। वहीं अगर दूसरे कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो तमिल भाषा एक कॉमन लैंग्वेज दिखाई देती है। इंडिया में तमिल तमिलनाडु की नेटिव लैंग्वेज है और तमिल भाषा श्रीलंका के ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सों में बोली जाती है। दोनों देशों में काफ़ी अधिक मात्रा में बुद्धिज्म और हिंदुज्म धर्मों को मानने वाले भी पाए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, परंतु इंडिया में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदूज की है। दोस्तों, इतनी सिमिलैरिटीज़ और इंटरकनेक्शंस देखकर ये सोचना लॉजिकल लगता है कि श्रीलंका और इंडिया एक देश के रूप में विकसित होने चाहिए थे। पर ऐसा क्यों नहीं है, इसकी वजह हम अगले सेक्शन में देखेंगे। दोस्तों, अगर श्रीलंका के पर्सपेक्टिव की बात करें तो 3-4 कारण सामने आते हैं। सबसे पहला और अहम कारण ये है कि श्रीलंका के हिस्ट्री में बहुत कम बार ऐसा हुआ जहां उसको किसी आउटसाइड एम्पायर या रूलर ने रूल किया हो, विद फ्यू एक्सेप्शंस।
सर्वाधिक समय वो अलग और इंडिपेंडेंट ही रहा। हाँ, चोलाज और पांड्याज ने अपने अपने राज्य के समय पर इसे कंट्रोल तो किया, लेकिन उनके अंडर भी रहकर इसे सिन्हालीज यानी इसके अपने लोगों ने ही इसे रूल किया। इंडो आर्यंस भी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जहाँ इंडिजिनस लोगों के साथ मिक्स होकर उन्होंने अपना अलग कल्चर और अस्तित्व बनाया। ब्रिटिश रूलर्स ने भी इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग ही रूल किया था, इसलिए कोई भी देश जो आज़ाद या डिस्टिंक्ट रहा हो वो दूसरे देश का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेगा। कोई भी लीडर अपनी ऑटोनॉमी और पावर इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता। दूसरा कारण है सिन्हालीज का खुद में एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होना। हमने इस वीडियो में पहले भी देखा कि सिन्हाली सभ्यता इंडो आर्यन कल्चर और इंडिजिनस कल्चर के मिक्सचर से बनी है। इसका नेटिव प्लेस श्रीलंका ही है। सिन्हालीज एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है जो अपने पड़ोसी इंडिया से इंडो आर्यन भाषा, कल्चर, थेरावादा बुद्धिज्म आदि के बेसिस पर सिमिलर होने के बावजूद काफी अलग भी है। इसलिए दोनों देशों के बीच बुद्धिस्ट रिलीजन कॉमन होने के बावजूद सिन्हालीज खुद को इंडियन से अलग समझते हैं और सिन्हाली सरकार द्वारा ही शासित होना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर से पहले भारत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग किंगडम्स रूल किया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए पूरे भारत को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह रूल किया और वहीं से हमारे लीडर्स को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट के पॉसिबिलिटी की प्रेरणा मिली। लेकिन आप इस बात से भी अवगत हैं कि ब्रिटिश इंडिया के भीतर भी उस दौर में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। पाकिस्तान को तो ब्रिटिशर्स ने अलग कर दिया, लेकिन कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो एक अलग राष्ट्र बनाने के प्लान्स में थे। ये सब इस फैक्ट के बावजूद कि वो प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के अधीन ही आते थे। अब ऐसे में अगर श्रीलंका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा ही नहीं था तो ये सोचना भी मुश्किल है कि वहाँ के नेता खुद को इंडिया में मर्ज कर देते, वो भी एक ऐसे दौर में जब ब्रिटिश इंडिया के छोटे छोटे राज खुद भी इस बात पर कम्प्लीटली एग्री नहीं करते थे। आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के विद इन कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि हमारे देश के महान नेता और आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी इंडिया को एकजुट रखने के लिए। इतना ही नहीं, इसी कारणवश हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, म्यांमार और भूटान भी इंडिया के साथ कई मायनों में सिमिलरिटीज के बावजूद अलग अलग देश बने। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट कारण है श्रीलंका का सिविल वॉर। जी हाँ, 1980s से पहले श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस इतने कॉर्डियल थे कि दोनों देशों के एक होने की पॉसिबिलिटी फिर भी देखी जा सकती थी। लेकिन 1983 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम यानी LTTE द्वारा शुरू किए गए श्रीलंकन सिविल वॉर ने दोनों देशों के जुड़ने की पॉसिबिलिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। LTTE एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन था जो नदन और ईस्टर्न श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट ईलम बनाना चाहता था। कुछ दावे ऐसे किए गए हैं कि 1970s और 1980s में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने LTTE को फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। ये बात श्रीलंका को काफ़ी नागवारा गुजरी थी, लेकिन चीज़ें तब बदली जब दोनों देशों के बीच पीस एकॉर्ड साइन हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद LTTE को इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इस पूरे सिविल वॉर ने इंडिया श्रीलंका के बीच एक दरार सी पैदा कर दी, जिसके चलते वहाँ के नेता कई बार इंडिया के प्रति स्केप्टिकल रहते हैं। ऊपर से आज इस रीजन में चाइना के बढ़ते डोमिनेंस ने भी कहीं ना कहीं श्रीलंका को इंडिया से दूर किया है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो हमें इस सवाल का जवाब समझाने में मदद करते हैं कि आखिर क्यों श्रीलंका इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाया। दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और श्रीलंका से रिलेटेड सवाल UPSC GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करने का कोशिश करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, इंडिया एंड श्रीलंका आर टू डिस्टिंक्ट कंट्रीज विद इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री, डिस्कस। सो माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।